धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, सारी संगत प्यार नाल आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी, पिता गुरु रामदास जी दा, बाबा दीप सिंह साहब जी दा, संगत रूपी परिवार एकत्रित होया। आओ जिथे जिथे भी बैठे हो, मन बिरतियां नू एकाग्र करके बैठने का यतन करो। और जिन्होंने अजे तक बाकी परिवारक मैंबरां नू नाल नहीं बिठाया, जरूर बिठा लो, मेरी बेनती है। अज भी मैं बड़िया जरूरी जरूरी गल्लां करनियां ने, जिहड़ियां जिंदगी दे विच बड़िया कम आउणगियां, और चंगे इंसान बनण दे विच साडी मदद करनगियां। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, नेक इंसान बनण वल इह गल्लां साडी हैल्प करनगियां। आओ अज दी परिवारक मीटिंग दी करिए प्रारंभता। एक बारी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे आखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। एक बंदे ने एक घर खरीदया, बड़ी मेहनत ला के पैसा इकट्ठा किया, घर खरीदया, ते जदों घर खरीदया ना, घर खरीदन तो थोड़े जे समय दे बाद ही ना उहदा कारोबार ठप हो गया। एक ज्योतिषी नूं बुलाया अपने घर, ते सारे घर दे विच कहिंदा तू निगाह मार कि मेरा जिहड़ा एक कारोबार क्यों ठप होया। ते ज्योतिषी ने एक गल कही, कहिंदा एक घर जिहड़ा है ना, इस घर दे हेठां एक लाश दबी हुई है, ते इहो ही तेरे पतन दा कारण बन गई है। गल आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, तेरे घर दे हेठां इक लाश दबी है, बस उसे कारण करके ही तेरा कारोबार ठप हो गया। जे तू कारोबार सैट करवाउणा चाहुंदा है, जे चाहुंदा है घर दे विच फिर खुशहाली आवे, ते इउं कर, इस घर नूं तू वेच दे। हुण ज्योतिषी दे कहण ते प्यादेओ उहने अपना घर वेचिया, एक होर जगह दे उत्ते अपना घर लिया। कारोबार कुछ दिन सही चलिया, फिर कारोबार दे उतरा चढ़ा आउंदे ने, उतराइयां चढ़ाइयां आउणियां फिर शुरू हो गईयां। ज्योतिषी दा दावा कदे भी साबित नहीं होया कि ए तेरा कारोबार ठप होण दा कारण है कि तेरे घर दे थल्ले एक लाश दबी हुई है। ए नुकता सही साबित करन दे लई प्यारे ओ घर नूं उजाड़ना जरूरी नहीं सी, पर ज्योतिषी दे कहण ते उहने घर एक जगह तों वेचिया, फिर दुबारा सैटिंग करन वास्ते नवां घर खरीदिया, कारोबार दे विच फिर भी उतराइयां चढ़ाइयां आउण लग पईयां। मेरी एक बेनती है, मेरे कोल ना किसे ने एक लेख लिख के भेजिया, उस लेख ने ना मैनू सोचण लई मजबूर कर दिता। वो लेख दे विच पता की लिखिया सी, कहिंदे होंद दी शुरुआत तों कल्पना करो, होंद दी शुरुआत तों जदों इह संसार बणिया, होंद दी शुरुआत तों कल्पना करो कि किन्ने लोग दबे गए ने। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, किन्ने सड़ गए ने, उहनां दी जिहड़ी राख है ना वह मिट्टी दे विच मिल गई है। इस करके कोई गरंटी नहीं, जिथे असी खड़े हाँ साढ़े हेठां भी हजारां लाशां दबियां होण। आखो वाहिगुरु जी, वाह, ये चीज़ का तो कोई दावा है ही नहीं, जिथे असी खड़े हाँ। इस तो अज तो तुसी कह लो 200 साल पहला, 300 साल पहला, 500 साल पहला इत्थे की सी, सानू कोई पता नहीं, पता नहीं जिथे असी खड़े हाँ किन्नियां कु लाशां साढ़े हेठां दबियां पईयां ने। इस करके मेरी बेनती है, कदी भी किसे दे मगर लग के इहो जे वहम भरम अंदर ना पालो, कदी ज्योतिषियां दे मगर लग के, कदी किसे दे मगर लग के, कदी भी अपने अंदर इहो जे वहम ना बनाओ। हाँ एक मेरी बेनती है, जरूर अपने अंदर ये निगाह मारो, पता की कि असी किसे दियां भावनावां नूं मार के ते अपना घर नहीं ना बनाया, बस आ चीज वल जरूर निगाह मारियो।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਦੱਬੋ। ਆ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ ਨਾ। ਇਹੋ ਜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਔਰ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਪਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹੋਏ? ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 5-5-10-10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹੋ 5-5-10-10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਪਾੜੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ।
आओ अगली गल अज की परिवारक मीटिंग की मैं करा, ये भी नेक इंसान बनने वाल इशारा मिलेगा जी। आखो धन गुरु रामदास। एक सरदार ने, एक सिख भरा ने मैनू ये अपनी हड बीती भेजी। कहिंदा एक रेड़ी तो ना मैं गोल गप्पे खाधे, ते गोल गप्पे खाण तो बाद मैं उहदे कोलों पुछिया, भाई मैं लुधियाने जाना बस स्टैंड तो। कहिंदा मैं गोल गप्पे खाधे, ते मैं उहनूं कहा मैं लुधियाने जाना, लुधियाने जाण वाली बस कित्थे खड़ी हुंदी है? कहिंदे उहने इशारा कर दित्ता फलानी जगह ते बस लगी है। कहिंदे जदों मैं बस वाली जगह ते गया, अजे बस लगी नहीं सी, उहदे सामने एक छोटा जिहा ढाबा सी, उत्थे रश बड़ा। मैं कहा जी रश क्यों? कहिंदे इहदी चाह बड़ी स्वाद हुंदी है। कहिंदे जदों मैं वेख्या रश बहुत ज़्यादा है, लोग इहदे कोलों चाह पी रहे, मैं सोचिया शायद चाह बहुत स्वाद होएगी तां पी रहे। मैं उस ढाबे तों एक कप चाह दा लिया, ते चाह जदों मैं पीती कहिंदा मैनू चाह वाकई बड़ी स्वाद लगी। कहिंदे जदों मैं चाह दा बिल देण लगा ना, ते एकदम मैनू याद आया ओहो गोल गप्पे ते रेड़ी तो खादे पर पैसे देने उन्हों मैं भुल गया। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। कहिंदा मैं भज्या भज्या गोल गप्पे वाले दे कोल आया, ते उन्हों मैं ये चीज दसी, प्यारिया लगता है तू भुल गया कि मैं तेरे कोलों गोल गप्पे खादे ते तेनू मैं पैसे नहीं दिते। ते उस वेले गोल गप्पे वाला ना मुस्कुरा के पता की कहिंदा, भरावा जिदे बाल बच्चियां दी रोजी रोटी, जिदे परिवार दी रोजी रोटी गोल गप्पियां दे नाल ही चलदी होवे, वो पैसे लैणा किवें भुल सकदा? मैनूं पता है तूं पैसे नहीं दित्ते। ते कहिंदा मैं उहनूं कहा फिर तूं मेरे कोलों पैसे मंगे क्यों नहीं? कहिंदा मैं बड़ा हैरान सां। कहिंदा मैं कहा भई तूं फिर मेरे कोलों पैसे मंगे क्यों नहीं? ते उस वेले कहिंदा ओ गोल गप्पे वाले ने जो मैनूं जवाब दिता, कहिंदा मेरा सिर झुक गया। अगों गोल गप्पे वाला पता की कहिंदा, कहिंदा मैं ये सोच के पैसे नहीं मंगे, तू मुसाफर है, शायद तेरे कोल पैसे नहीं, जे किते मैं तेरे कोलों पैसे मंग ले तो किते तेनू शर्मिंदगी ना उठानी पै जावे। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। ते कहिंदा दूजी मेरी सोच बनी, तू सिख है, तू सरदार है, सरदार हुण तू पैसे देने भुल गया, पर कहिंदा मैनू ये पक्का विश्वास है जिहड़ा असली सरदार है ना, वह कदी भी किसे दा हक नहीं मारदा। कहिंदा मैनू पक्का यकीन सी कि जे तू हुण पैसे देने भुल गया ना, जदों तैनू पैसे देने मेरे याद आ गए ना, सारे काम छड्ड के तू सब तो पहले मेरे पैसे देण वास्ते आउणा है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। कहिंदा इस करके मैं बेफिकरा हो गया कि तू सरदार है, तू कदी भी किसे दा हक नहीं मार सकदा। बस आ गल ओहो वेखो कई साडियां पगां दे उत्ते किन्ना विश्वास करदे ने, साडे करैक्टर दे उत्ते कई किन्ना विश्वास करदे ने। ते मेरी बेनती है प्यारिओ, कदी भी ये विश्वास नूं टुट्टण ना देना। चंगे इंसान बणीए, नेक इंसान बणीए, कदी भी किसे नाल धोखा ना करिए। और मैं सच कह रहा, जदों तुसी किसे दा हक उहनूं मोड़न जांदे हो ना, गलती नाल ही भावें तुहाडे कोल आ गई वो चीज़, जदों उहनूं मोड़न लई जांदे हो, तुहाडे वल उह सिर बाद चों झुकाउंदा, पहले तुहाडे गुरु नूं नमस्कार करदा, धन है तुहाडा गुरु जिन्ने तुहानूं इहो जिहियां चीज़ां समझाईआं ने। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुर पीर हमां तां भरे जां मुरदार ना खाए। ये मेरी बेनती है, नेक इंसान बन जो, चंगे इंसान बन जो, बस तुहाडी ये नेकी कीती होई ही दुनिया विच रह जानी है। तुहाडी नेकी कीती होई लोकां दे दिलां विच राज करवाएगी, ते तुहाडी नेकी कीती होई प्यारिओ तुहानूं दरगाह दे विच वी मालक दे चरणां च वी जगह दवाएगी। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी।
आप सवरो परिवार सवरो सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जेड़ा मैं शब्द पढ़ना है गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया गुरु ग्रंथ साहब जी के 743 अंग दे उत्ते दर्ज शब्द सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला। इस शब्द का गायन सारी संगत रल मिल के करिए कोई रसना वांझी न रहे जी। सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला। पढ़ो सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला। सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला। सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी हरे तन गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला। सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला। संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उच्चारे से सं जोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उच्चारे जित रसना हर नाम उच्चारे। सुन बेनंती सुन बेनंती बोलो
प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा जीवन रूप सिमरण प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस नेरा जीवन रूप सिमरण प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस नेरा जिस कृपा करे बसे तिस नेरा सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला करो जोतड़ी सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला सुन बेनंती 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 प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला जन की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ दे वणहार जन की भूख जन की भूख तेरा नाम आहार तू दाता
बेनती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला मंगो सुन बेनती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा सुन बेनंती सुन बेनंती सुन
माथे परो रमाल रस 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 गुण गावो ठाकुर के मोरे हीर ते बसो गोपाल रस रस गुण गावो ठाकुर के सुन बेनंती 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 बिन तुद होर जे मंगणा सिर दुखां के दुख बिन तुद होर जे मंगणा सिर दुखां के दुख दे नाम संतोखिया सुन बेनंती दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती गुरु रामदास सुन बेनंती 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 चल के मैं तकी तो सरनाए जियो मैं आसा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो सुन बेनंती ठाकुर तुम सरनाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया सुन बेनंती सुन सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम कोट पराद परे पी तेरे पी तेरे कोट पराद परे पी तेरे पी तेरे पी तेरे चेरे राम सुन बेनंती 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 बोलो सुन बेनंती प्रभु दीन दयाला गावे गुण सदा रसाला सुन बेनंती प्रभु दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला जी सुन बेनंती सुन 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 बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती सुन 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 बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती धन गुरु रामदास जी सुन बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती
बेनती सुन बेनंती बेनंती सुन 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 बेनंती सुन बेनंती सुन बेनंती जी सुन बेनंती सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साधका में गुण सदा रसाला सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला वाहगुरु सब जुड़ जाओ वाहगुरु वाहगुरु धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਧ ਜਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਭਿੱਜ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਤ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੋ। ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਨਾ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਾਤ ਆ, ਇਹ ਰਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਰੇ ਦਾ ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਦਰੇ ਦਾ ਚਾਬੀ ਦਾ। ਜਿੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ,
पर जदों तेरे हाथ विच चाबी आएगी ना खुलना मैं ताई है। जिंदरा चाबी तो बिना नहीं खुलदा, कुंजी तो बिना ताला नहीं खुलदा। ते प्यारे ओ ए बाबा नंद सिंह जी दे बचन ने कहिंदे जीवें जिंदरे दा ते कुंजी दा आपस विच पक्का रिश्ता है ना, तिवें ही नाम दा ते अंदरले सुख दा आपस विच रिश्ता है। नाम दा ते अंदरले सुख दा आपस विच रिश्ता है। जिवें जिंदरा कहिंदा है ना बंदिया तेरे हाथ विच कुंजी आएगी तां मैं खुलांगा, ते नाम भी कहिंदा है जे तू मैनू जपेगा ना ते मेरा रिश्ता अंदरले सुख नाल, जे तू मैनू जपेगा ते तेनू अंदरला सुख मिलेगा ही मिलेगा। खो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। जे अंदरला सुख चाहुंदे आ ना पक्के तौर ते सुख चाहुंदे आ फिर नाम नाल रिश्ता बनाउणा ही पैणा है, ते फिर नाम जप के बंदगी करके इहो जिहा सुख मिलदा है। प्यारिया तेरा शरीर रवे ना रवे यह दरगाह तक नाम दा सुख नाल ही जांदा है। इत्थे भी नाम दे सुख दा सदका बरकतां पैंदियां है। जिंदगी दे विच कोई उतराई चढ़ाई दा भी समा आ जावे ना नाम दा सुख फिर बंदे नूं डोलन नहीं दिंदा। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। अंदरले सुख चाहुंदे आ ना अंदरले सुख फिर नाम जपना ही पैणा है जी। अगला बचन मैं जदों सुनिया महापुरखां दा मैं बड़ा हैरान होया। कहिंदे कई वारी असीं कहिंदे आ ना ओहो हो तू गुरु घर विच आया सिर नहीं टकिया तेरे कोलों अवग्या हो गई है। कई वारी मैं शहीदां साहिब बैठा हुन्ना कई सहजधारी आउंदे ने हिंदू वीर उन्होंने रुमाल नहीं रखिया हुंदा सिर दे उत्ते गलती दे नाल ते सेवादार प्यार नाल कहिंदे भाई तू इदां कर रुमाल लैके आ फिर अंदर आउणा उत्तों बिना नहीं अंदर एंट्री करन ही नहीं देंदे रुमाल तों बिना। ते जे कोई गलती नाल दो चार कदम तुर भी पवे सेवादार प्यार नाल समझा के कहिंदे भई अवग्या कर रहे हैं सिर कज के अंदर आ। असी किसे धार्मिक स्थान ते जा के सिर नहीं कजिया कई वारी कहने अवग्या हो गई। कई वारी असी कहने अज मेरे कोलों झूठ बोलिया गया मेरे कोलों अवग्या हो गई। कई वारी असी कहने अज मैं आ काम कीता मैनू एदा महसूस होना शुरू हो गया जिवें मेरे को असी हुण राती सुते हुन्ने आ। सुत्या सुत्या कई वारी साडा कंधा लथ जांदा है कहने आ ना वग्गिया हो गई। जान बूझ के ककार नहीं लाए कई वारी सुत्या लथ गया कई वारी सिर नंगा हो गया कहने आ ना अवग्या हो गई। पर ए बाबा नंद सिंह जी दा बचन है कहिंदे कई वारी तू कहना तेरे को झूठ बोलिया गया अवग्या हो गई फलाना कर्म तेरे को हो गया अवग्या हो गई गुरुद्वारे जाके तू सिर नंगा रखिया तेरे को अवग्या हो गई। केंदे एक गल ध्यान नाल सुनो प्यारे ओ गुरु घर दे विच सब तो वड्डी अवग्या है नाम ना जपना। खो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, नाम ना जपण तो वड्डी अवग्या दूजी है ही कोई नहीं है जी। नाम ना जपण तो वड्डी दूजी अवग्या है ही कोई नहीं। इस करके मेरी बेनती है नाम तो बिना तो फिर इत्थे भी ठोकरां ने ते उत्थे भी ठोकरां। खो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अगला वचन बड़ा प्यारा मैं कहना सानू नाम दी दात मंगण दा ना चा चढ़ दे चा। महापुरखां दे बचन ने कहिंदे नाम जपण तों बिना होर साधन जिन्ने भी असी करदे आ ना गल टिकाणे नहीं लगदी। होर साधन किहड़े मैं विधवा बीबियां नूं राशन देना मैं गरीब बच्चियां नूं पढ़ा रहा
मैं गुरु घर दे लई दसवंध दे रहा, मैं लंगर ला रहा, मैं फ्री दवाइयां वंड रहा, मैं फलानी सेवा कर रहा, मैं फलानी सेवा कर रहा। चंगी गल है, गलत नहीं। ये साधन करने छड़ने नहीं, पर एक चीज अपने माइंड विच पक्के तौर ते बिठायो। पता की कहिंदे, जे असी केवल सेवा कर रहे हैं, लोड़वंदा की हैल्प कर रहे हैं, दवाइया फ्री वंड रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, विधवा बीबिया नू राशन दे रहे हैं, लंगर ला रहे हैं, कहिंदे ए जिन्ने भी साधन ने ना, ए साधन प्यारे आ छड़ी ना, पर एक गल दा ध्यान रखी, इन्हां साधना दे नाल तू गुरु दे खजाने दा पहरेदार ते बन सकदा है। इन्हां साधना दे नाल तू गुरु दे खजाने दा पहरेदार ते बन सकदा है, पर मालक नहीं बन सकता। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। जे गुरु दे खजानिया दा मालक बनना है ना, फिर तेनू नाम जपना ही पैना है, अमृत वेला संभालना ही पैना है, कारोबार करने वाहिगुरु वाहिगुरु दा सिमरन करना ही पैना है। एक जगह तो दूजी जगह आउंदिया जांदिया तेनू जपजी साहिब दी बाणी पढ़नी ही पैनी है। एदे तो बिना तू गुरु दे खजाने दा पहरेदार ते बन सकदा है। जो जो तू साधन कर रहे, चंगी गल है, पहरेदार बन सकदा है, पर जे गुरु दे खजाने दा मालक बनना है ना, ते फिर तेनू नाम जपना पैना। तां करके अज मंग रहे हैं, सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला। प्यार नाल सारे अंदरों मंगियो, अंदरों ए मेरी बेनती है, अंदरों पायो तरला, फिर उस तो बाद कीर्तन की समाप्ति होएगी। बेनती है, जदों भी अमृतसर साहब आना है, तीन चार घंटे का समा वध कढ़ के तुसी आना, अपनी अखां नाल आ के तको किवें किवें दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल, जो जो तुसी दसवंध देंदे, कितना कितना गुरु दियां संगतां दे लिखे लग रहे हैं। इस स्कूल विच दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत की भी ते नाल प्यारे दुनियावी पढ़ाई भी। बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, पंथ दर्दी असी कहने ना अपने आप नूं, आके वेखो इत्थे कीवें प्रचारक तैयार हो रहे ने। तुहाडा दत्ता एक एक कणका कीवें गुरु जी की कृपा दे नाल इह प्रचारक श्रेणी नूं वधाउण वास्ते लग रहा है। कदी आके वेखो, गल्लां बातां दे नाल ते बड़ा कुछ कर लिया, हुण मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओ, इह मेरी बेनती है। होर कुछ नहीं कर सकते, जिहड़े आ उपराले करदे उहनां दी सपोर्ट कर दिया करो, मेरी बेनती। आके अपनी अखां नाल तको किवें बाबा दीप सिंह हेल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहे हैं, 20 रुपयां दी पर्ची विच ओह डॉक्टर वेखदे ने जिहड़े अपनी क्लीनिक ते 200 300 400 रुपया भी फीस लैंदे आ, इत्थे 20 रुपयां च वेखदे नाल दो दिन की दवाई दिती जांदी, जिहड़ी दवाई उदां 100 दी बाजारों मिलदी, इत्थे 30 दी डिजिटल एक्सरे 113 च, लैबोरेटरी दे टेस्ट सारे लागत मुल नाल हुंदे आ। के तको तुहाडी इह माया मरीजां दियां दवाइयां दे लेखे विच लग रही है। इत्थे गुरु बाबा नानक जी दी रसोई चल रही राम तीर्थ रोड ते, आके देखो जी 2000 तों वध प्रेमी रोजाना प्रशादा छकदा है। गुरु बाबा नानक जी दी चलदी फिरदी रसोई, उह गड्डी बनाई, वख-वख थावां ते प्रशादा तैयार करके पहुंचाया जांदा है। इसे जगह ते विधवा बीबियां नूं हर महीने फ्री राशन देण दी सेवा भी हुंदी है, आके जरूर चरण पाओ। और नवी जगह का तुहानूं पता ही, दूसरा यूनिट जिहड़ा पिता जी ने बख्शिया, जिथे जी दया प्रमाण पार्क की सेवा पूरी जोर शोर शुरू हुई है, जिथे पंछियों नूं दाणा पाउणा, खाणा पाउणा और बीमार पंछियों के इलाज का पहला हस्पताल बनना है पंजाब दे विच, सराम भी गुरद्वारा साहब। ते तीजा यूनिट बापू जी ने दिता जम्मू पठानकोट हाईवे रोड के उत्ते, उत्थे भी स्कूल हस्पताल दो चीज़ों नूं मुख तौर पर लैके चल रहे, एजुकेशन नूं ते नाल हेल्थ नूं। माया पक्षों सस्तियां होण दोवें चीज़ां, पर होण टॉप क्लास, फिर अगां तुहानूं वधण तों कोई रोक नहीं सकता। ये नवी जगह की रजिस्ट्री अजे होनी है, 2500 रुपया एक गज की सेवा है, एक एक दो दो पांच पांच गज की सेवा सब ने करनी, ते पक्के महीनावारी डोनर बनना है। जिन्हें तुसीं सुणदे हो, 100 रुपया एक प्रेमी लई, मान लो 5 जी हो ना तुसीं घर दे, 100 रुपया एक जी लई महीने का कढ़ना कोई औखा नहीं, 500 रुपया घट तो घट एक एक प्रेमी मैंबर बन जाओ महीने का,
महाराज जी की मेहर का सदका एक एक परिवार मैंबर बन जाओ के असी ये ट्रस्ट के मैंबर हाँ। मैनू बड़िया संगत मिल दी जी परिवारक मैंबर ओदा भी परिवारक मैंबर बनो तो इदा सपोर्ट पक्षों भी परिवारक मैंबर जरूर बनो। सारी डिटेल अकाउंट की डिटेल थोड़े टीवी स्क्रीन के उत्ते आ रही स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी सेवा हर महीने साढ़े फोन तो बिना साढ़े सुनेहे तो बिना ही भेज दिया करो। सेवा तुसी पेटीएम गूगल पे भी कर सकते हो ये बेनती है। बाकी 27 तरीक आ रही है चुपहरा होंदा सवेरे 10 तो शामी 4 बजे तक बाबा दीप सिंह चौंकड़ा मार के बेंदे ने प्रतख साड़ियां झोलियां भरन वास्ते। हुण ते असी पुकार पुकार के कह रहे हैं आ जाओ झोलियां भरवा लो जदों ये वक्त लंघ गए ना उस तो बाद पछतावे तो बिना हथ कुछ नहीं लगना। 8:30 बजे पहुंच जाना लंगर प्रसाद छक के 10 बजे चौंकड़े मार के बह जाना है। 11:30 तो एक सुखमनी साहब का पाठ होंगे पहले 10 तो 11 जपजीत साहब चौपाई साहब का पाठ कीर्तन 11:30 तो एक सुखमनी साहब जी का पाठ फिर कीर्तन के दवान लगते 2:30 तो 4 तक दास सेवा करता है। तो सारिया ने पूरे चुपहरे में हाजरी भरनी है यही कि अद्धे च आ गए फिर कृपा नहीं पूरे चुपहरे में हाजरियां भरो अपने मंदे लेख सही करवा लो जी। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास चुपहरे ते आप आया करो पंजा नू नाल ले आया करो ये मेरी बेनती है भाई। ये बाबा दीप सिंह दा दारे ते सब दियां झोलियां भरदा खंडे वाला बाबा। और एक मैं संगत नू कल दे दिमाग च भी बेनती कर दिती सी कौलसर साहब के जिहड़ी रैन सुबाई मैं कहा सी 10 सितंबर नू होएगी तुहाडा 400-500 मैसेज सानू आ गया कि एडी लेट ना करो ते तुहाडे हुक्म नू मन के 13 अगस्त नू रैन सुबाई समागम रखे है गुरद्वारा बीबी कौलां जी अमृतसर साहब। जेडे रैन सुबाई च आए सी उन्हां नू पता है वह आनंद दा ते सारियां संगतां ने टिकटां टुकटां हुण तों ही बुक करा लो 13 अगस्त नू रैन सुबाई समागम होएगा राती 10 तो सवेरे 4 बजे तक। नाल नाल मैं डिटेलां रोज़ बोली जावांगा गुरु जी की कृपा नाल पिता जी सेवावां लैण। ये जिहड़ी नवीं किताब आई है साजनो तू मीत मेरा ये दूसरी किताब आई है दसां दी पहली सी सब्बे जी संभाल अपनी मेहर कर ये साजनो तू मीत मेरा दूजी किताब ये बड़ा ही मोटीवेट किया होया तुहानू जिहड़ा भी किताब पढ़ता है ना वो अंदर एक हलूणा जिहा आउंदा नेक इंसान बनन वल वो कदम वधदे ने होर चंगे इंसान बनन वल वो कदम वधदे ने होर घरां दे विच जो शांति आ रही है दिमाग सैट हो रहे ने ये मेरी बेनती है आप पढ़न वास्ते ते मंगवायो अगां वंडन वास्ते कोई फंक्शन है कोई प्रोग्राम 5-5, 10-10, 20-20 किताबां वंडन वास्ते मंगवायो सब नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चल रहे। आओ एक वारी ये पंक्ति पढ़ो कीर्तन दी समाप्ति। सुन बेनंती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा बेनती प्रभु दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला साध गावे गुण सदा रसाला पुल चुक दिखे मां प्यार सत फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।